हेलो एवरीवन, आई एम विशाली तोमर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डिश बनाने वाले हैं जो कि राजस्थान की बहुत फेमस डिश है, जिसका नाम है प्याज की कचौड़ी। ये राजस्थान के हर एक चप्पे चप्पे पे आपको मिल जाएगी, जोधपुर, जैसलमेर, कहीं भी आप चले जाइए सब जगह मिलेगी आपको। और खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगती है, एकदम तीखा टेस्ट देती है, विद चटनी, मैंगो चटनी जिसे आप कह सकते हैं। तो चलो हम वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको बनाते हैं। हम सबसे पहले अपनी कचौड़ी का डो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और उसमें मैं अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ। हाथ से ही मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम थोड़ी क्रिस्पी और खस्ता कचौड़ी के लिए ऑयल ऐड करेंगे, मोइन भी कहते हैं हम इसको। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून ऐड किया है ऑयल। इस तरीके से आपको ऑयल ऐड करना है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इन्ग्रीडियंट्स को हाथ से। आपको अपने हैंड यूज़ करने हैं इसमें। अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के डो रेडी करेंगे अपनी कचौड़ी के लिए। इस तरीके से आपको आटा लगाना है। नॉर्मल हम जो आटा लगाते हैं उस तरीके से ही आपको आप प्रोसेस फॉलो करना है। इस तरीके से करना है। एक साथ सारा पानी नहीं डाल लेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। ना ही हमें ज़्यादा टाइट आटा लगाना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ही हमारा डो रेडी है और हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रखेंगे। अब हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले थोड़े रॉ इंग्रेडिएंट्स दे रही हूँ, उनको हम पीसेंगे। मैंने यहाँ पे जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ ली है और कस्तूरी मेथी ली है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें हम नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। अब अच्छे से हीट होने देंगे इसको। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था रॉ इंग्रेडिएंट्स का, हम उसको डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपको सारे मिक्सचर को डाल देना है, उसको थोड़ी देर चलाना है। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे उसे रोस्ट करना है अच्छे से, इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है एक हमारे मिक्सचर में। इस तरीके से आपको इसको भी रोस्ट कर लेना है अच्छे से 1 मिनट तक, और हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। उसके बाद मैंने इसमें अनियन ऐड किया है, चॉप्ड अनियन है ये। हमें सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच अराउंड हम डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हरा धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। इस तरीके से थोड़ा सा कलर आ जाएगा हमारा अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मैंने डाला है। अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। उसके बाद हम इसमें अपने आलू बॉईल किए हुए ऐड करेंगे। इस तरीके से हमें आलू डालने और उसको अपने मिक्सचर के साथ मिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे, इस तरीके से चॉप की हुई। इससे प्याज का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और हम उसको कंबाइन कर लेंगे अपने मिक्सचर के साथ, मिला लेंगे अच्छे से। इस तरीके से आपको कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे हम अपने गैस को। अच्छे से कंबाइन कर लेना है। थोड़ा सॉल्ट और आप ऐड कर सकते हैं आलू डालने के बाद। इस तरीके से हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी हम चीनी भी ऐड कर देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है काफ़ी। आप इस तरीके से थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए और मिला लीजिए फिर से एक बारी। इस तरीके से आप छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए अपने मिक्सचर का, जिससे काफ़ी आसानी होगी आपको कचौड़ी बनाने में आगे। इस
तरीके से आपको रेडी कर लेने हैं, छोटे छोटे से गोल बॉल्स बना के। अब हम आटा लेंगे, आपको जितनी बड़ी कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से आप अपने बॉल्स बना लीजिए। इस तरीके से करना है आपको, रेडी कर लेनी है बॉल्स बना के, जिससे आपकी कचौड़ियाँ जल्दी जल्दी बने। उसके बाद हम हाथ से ही उसको आटे को फैलाएंगे, इस तरीके से करना है आपको, और उसमें अपना बनाया हुआ मिक्सचर डालेंगे, जैसे आप स्टफ करते हैं नॉर्मली आलू पराठा एंड ऑल। इस तरीके से हाथ से आपको उसे प्रेस कर लेना है और हाथ से ही उसको फैलाना है आपको। एक ये पहला तरीका है कचौड़ी बनाने का, इस तरीके से आपको हाथ से फैला लेनी है पूरी कचौड़ी, जितनी बड़ी आप करना चाहें। एक दूसरा तरीका है ये कि हम नॉर्मली उसकी पूड़ी बनाएं एक इस तरीके से, और उसमें अपना मसाला डाल दें, मिक्सचर डाल दें और उसको इस तरीके से बंद कर लें तरीके से, और बचा हुआ हम ऊपर से पार्ट निकाल देंगे जो हमें यूज़ नहीं है, ज़्यादा आ गया है आटा। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे इस तरीके से, और आपको जितनी बड़ी कचौड़ी करनी है इसको आप बेल लीजिए आराम से, सॉफ्ट हैंड से हमें ये काम करना है बिल्कुल। ये हमारी कचौड़ी बनके तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम डीप फ्राई करने के लिए। पहले चेक कर लेंगे हम हमारा तेल गरम हो गया है, तो हमारा तेल काफ़ी अच्छे से गरम हो गया है। इसके बाद हम उसमें अपनी कचौड़ी डाल देंगे, कचौड़ी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो रही है इस तरीके से। ये कचौड़ी फ्राई हो चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, काफ़ी अच्छी फूल भी गई है हमारी कचौड़ी। अब हम इसे निकाल सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बाजार जैसी, हलवाई जैसी हमारी कचौड़ी बनके रेडी हुई है। इसी तरीके से हम अपनी कचौड़ियों को बना लेंगे और हमारी कचौड़ी रेडी है, मीठी चटनी के साथ या फिर मैंगो चटनी के साथ आप कह सकते हैं। अब हम बीच में से इस तरीके से होल करेंगे और इसमें अपनी चटनी डालेंगे, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करिए इसे अपने घरों में। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चटनी डाल दीजिए, लुक हाउ डिलीशियस इट इज, मज़ा ही आ गया, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है देख के। आई होप आप सबको ये डिश अच्छी लगी हुई है, काफ़ी इजी बनाने में और काफ़ी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हमें इसको चाहिए बना के, यूजुअली आपके घरों में अवेलेबल होते हैं, कुछ स्पेशल मार्केट से भी नहीं लाना है। तो आई होप यू लाइक इट, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।